कांग्रेस विधायक जिशान सिद्दीकी बोले, शीत सत्र के पहले दिन सत्ता पक्ष को विविध मुद्दों पर घेरा जाएगा, जिसमें सीमा विवाद हो, महापुरुषों पर हो रही टिप्पणी हो या फिर राज्य के बाहर जा रहे परियोजनाएं हो, सभी मुद्दों पर विपक्ष सत्ता पक्ष को सवालों के कटघरे में घेरेगा। इसके साथ ही वे बोले कि 2019 में शीत सत्र में हम आए थे, तब हम सत्ता पक्ष में थे, अब विपक्ष में है। किस तैयारी से पहले दिन उतरा है? देखिए, विपक्ष तो हमेशा से तैयार है। एक फर्स्ट टाइम एमएलए होने के नाते मैं खुश हूँ कि मैं नागपुर वापस आया हूँ 2 साल बाद। कोविड काल में नागपुर का सेशन कैंसिल हुआ था, तो इसीलिए एक्साइटेड है। सब युवा एमएलए मिलने के लिए एक्साइटेड है, अंदर जाने के लिए एक्साइटेड है। काफ़ी मुद्दे मेरे विधानसभा के हैं जो मैं उठाने वाला हूँ। और पिछली बार नागपुर में आया था तो गवर्नमेंट में थे, इस बार अपोजिशन में है तो अलग सा माहौल है। पर अपोजिशन महाविकास अघाड़ी हमेशा एकत्र थी और एकत्र रहेगी। और सरकार की जो गलत चीज़ें हैं, जो उन्होंने जैसे गवर्नर के अगेंस्ट, जो गवर्नर ने जो हमारे महामानवों का इंसल्ट किया है, उस सब को लेके चर्चा होगी, निषेध होगा। जैसे हमने सड़कों पर भी उतरे, हम असेंबली में भी उसका निषेध जरूर करेंगे। 2019 का दौर था जब आप सत्ता में थे, तब युवा बहुत काफ़ी मात्रा में चुन कर आए थे और वो दौर अलग था। ये दौर अभी जो है अलग है, सत्ता पलट चुकी है। जो विपक्ष था वो सत्ता पक्ष में और जो सत्ता पक्ष विपक्ष में, तो सीमा विवाद भी अभी चल रहा है। क्या पहला दिन कैसे होगा, मतलब किस मुद्दों पे आप खास तौर पर क्या? देखिए, मैं मुद्दों में अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के मुद्दों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहूँगा और उन्होंने मुझे चुन के लाए हैं, तो इसीलिए मैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के ज़्यादा मुद्दे रेज करूँगा। और बाकी सीनियर लीडर्स जो है वो बाकी से अलग चर्चे करते रहेंगे। जैसे आपने कहा कि 2019 का दौर अलग था, और हम हर दौर के लिए तैयार है और अंदर जाने के लिए बेसब्र कर रहे हैं। हर दौर के लिए तैयार है और अंदर जाने के लिए तैयार है, ऐसा जिशान सिद्दीकी जो ये विधायक है, इन्होंने कहा है। कैमरा पर्सन अमोल तुमसरे के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।